आप भी कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मुढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की मुढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं सागर पांडे आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की। सांसद अन्नपूर्णा देवी पहुंची बेंगाबाद के केंदुआगढ़। यहां वह विगत 2 दिन पूर्व हुई बंधु मातो के हत्याकांड का जायजा ली और पीड़ित परिजनों से मिली। इस दौरान शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सबसे ज़्यादा राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है, अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और क्षेत्र में एक के बाद एक हो रही हत्या जैसी वारदात चिंता का विषय है। इसके बाद वे सीधे इसी गांव में दुर्गा मंडप समीप कृषि चौपाल को संबोधित की और वहां उपस्थित किसानों, महिलाओं और ग्रामीणों से किसान हित में पारित हुए किसान बिल के खूबियों से जनता को रूबरू करवाई। उन्होंने कहा, इस बिल से बिचौलियों में हड़कंप मच गया है, जिस कारण किसानों को सामने लाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि यह बिल पूर्ण रूपेण कृषि हित और किसान हित में है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि कानून पर भी जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, जबकि यह कानून किसानों के हित की रक्षा और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने के लिए बनाया गया है। इससे बिचौलियों को नुकसान हुआ है और यह विरोध प्रदर्शन भी बिचौलियों के पक्ष में किया जा रहा है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बिचौलियावादी हावी था, इसका जिक्र पूर्व के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कर चुके थे। दिवंगत प्रधानमंत्री ने उस वक्त कहा था कि केंद्र से जनता के लिए 1 रुपया नहीं निकलता है, लेकिन जनता के पास 19 पैसा ही बचता है। वही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिचौलियों पर लगाम लगा है। आज केंद्र से निकला 1 रुपया जनता के पास पहुंच रहा है, जनता को हर योजना का लाभ मिल रहा है, यह विपक्ष को पच नहीं रहा है। अन्नपूर्णा ने कहा कि किसी भी जाति धर्म की बेटी के साथ गलत किया जाना निंदनीय है और इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। हाथरस के मामले में भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और पीड़ित परिवार को इंसाफ भी मिलेगा, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह की राजनीति विपक्ष ने की है वह कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य की जर्जर ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड सरकार पर भी हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है, उग्रवादियों का भी मनोबल बढ़ गया है, हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इस चौपाल को संबोधित सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने किया। मौके पर जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जमुआ विधायक केदार हाजरा, राम रतन राम, महेंद्र वर्मा, बालेश्वर शर्मा समेत सैकड़ों भाजपा समर्थक मौजूद थे। लोकसभा में आप मौजूद रहती हैं, जितने भी तरह की जो बिल आती हैं उसको पारित करवाने के समय, तो ये किसान बिल पर को लेकर के, मतलब कृषि क्षेत्र जो बहुल क्षेत्र है हरियाणा और पंजाब में, क्यों इस तरह का आंदोलन हो रहा है मैम? क्योंकि यहाँ बिचौलिया सिस्टम हावी है, बिचौलिया मजदूर किसानों का वहाँ पे शोषण करते हैं, अड़ेतिया जिसको बोलते हैं, जो मंडी है, मंडी को जो लोग चलाते हैं, संचालित करते हैं, किसान का अनाज का दाम मनमाने तरीके से वो वहाँ पे कर रखते हैं और किसानों का कभी वजन कम कर देना, अनाज खराब है बोल के, तो इस तरह की परेशानियाँ वो हमेशा किसान को करते, किसानों का शोषण करना ही वैसे लोगों का मुख्य कारण होता है। मैडम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज कहा है कि पूरे राज्य में 2 दिन का शोक है और इस स्थिति में भाजपा कार्यक्रम कर रही है, ये भारत में भाजपा के लोग स्वार्थी हैं और उनको राज्य के ये से मतलब नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय मंत्री जो स्वर्गीय हाजी हुसैन जी का निधन हुआ है, बिल्कुल उनके निधन से सब मर्माहत हैं और उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। और जहां तक कार्यक्रम की बात है तो हम कोई वैसा कार्यक्रम नहीं किए हैं, लोगों से मिलना ये कोई कार्यक्रम नहीं है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, क्षेत्र के लोग आते हैं तो क्षेत्र के साथ लोगों के साथ मिलना ये कोई भी जनप्रतिनिधि का ये अपना दायित्व है। अभिनंदन समारोह हुआ है, आगे बोलिए मैम। ये लेकर आप दूसरी बार यहाँ पर आई हैं इस क्षेत्र में,
पिछले कुछ दिन पहले भी हत्या की वारदात हुई थी मैम, तो देखिए जब से ये सरकार बनी है लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, वृद्धि हो रही है। जो आपराधिक घटना है, चाहे उग्रवादी घटना हो, आपराधिक घटना हो, मर्डर हो, लगातार बढ़ रही है। और सरकार का इसका कोई चिंता नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है। ये सरकार राज्य हित में काम नहीं कर रही है, बिल्कुल जनता को इग्नोर करके कहीं भी जनता के पक्ष में कोई भी काम नहीं। और लगातार 9 महीने के दौरान देखेंगे तो कहीं भी ना कोई विकास का काम हुआ है, न ही पब्लिक के लिए कोई भी किस तरह का बात। मैम एक सवाल और, कुछ पंचायती जनप्रतिनिधि अब भाजपा में है और केंद्र जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी स्थिति जर्जर है, तो पंचायतों में इस तरह का माहौल है कि वह जनप्रतिनिधि ही उसके प्रति उत्तरदायित्व है। मैम राज्य सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, बिल्कुल राज्य सरकार निष्क्रिय हो गई। आज के लिए इतना ही, बने रहिए।